नमस्कार, मैं हूँ प्रिया झा और आप देख रहे हैं मघी आवाज। बीती रात तेजस्वी यादव सड़कों पर घूमते नजर आए, लेकिन घूमने का पीछे जो रीजन है वो है आश्रय स्थल। दरअसल पटना में आश्रय स्थल बनाया गया है राहगीरों के लिए, जो दूर दराज के जगहों से आते हैं या फिर जो गरीब लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनके लिए बनाया गया है ताकि वो उसमें रह सके और ठंड से खुद को बचा सके। और इसके लिए तमाम जो व्यवस्था है वो भी उपलब्ध करवाई गई है सरकार के द्वारा। इसी को लेकर तेजस्वी यादव मुआयना करने पहुंचे थे और उन्होंने इसका जायजा भी लिया और बाकायदा लोगों से बातें भी की। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या क्या व्यवस्था मिलती है वहां पर और क्या कुछ वहां पर उन्हें अच्छा लग रहा है, किस तरीके से ठंड से वो बच सकते हैं, ये तमाम बातें उन्होंने कही। अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आकर के देखने आए हैं कि वाकई में स्थिति क्या है। हमारी सरकार ने नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो हैं आश्रम जो है निःशुल्क हम लोगों ने चलाने का काम किया है, जहाँ ठंड में जो मजदूर गरीब ठेला चलाने वाले रिक्शा चलाने वाले सफाई कर्मी मजदूरी करने वाले लोगों के लिए व्यवस्था हो पाए, ताकि वो सड़क पे ना सोए, खुले में ना सोए, उनको छत मिले, उनको कंबल मिले, उनको बिस्तर मिले, उनको पानी की व्यवस्था मिले। तो इसलिए हम लोग आए हैं देखने कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और जो लोग जो बेचारे सड़क पे हैं, जो ज़्यादातर जो है रिक्शा चलाने वाले लोग, वो रिक्शा छोड़ करके आना नहीं चाहते, उनको लगता है कि रिक्शा कोई ले जाएगा, तो उन लोगों को हम लोगों ने कंबल बांटा है, कंबल दिया है अलग से। तो हम लोग तो गरीब जो है जनता, उन्होंने हमको चुन करके भेजा, हमको उनके प्रति काम करना, और हम लोग कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले। और आप जान रहे हैं कि ये दिसंबर का महीना है, अब ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में, 10 दिनों में, और आपके बाद फिर जनवरी का आएगा। तो शीतलहर में काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है, कोई लोग बुज़ुर्ग होते हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, लोग जो है उनका प्राण चला जाता है। तो इसलिए हम लोग कोई कोशिश है कि ऐसी सुविधा दो आप, और बाकायदा जो साफ़ सफाई है शहरों की वो भी देखते आ रहे हैं। लालू जी के बनाए हुए बसेरे कई बंद पड़े मिले? नहीं, कई जगह तो चालू है, एक आध जगह जो बंद था वहाँ कुछ अलग वजह से जो है वो लिया हुआ था, उसको हमने बोला अगर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा तो यहाँ भी लोगों को रुकवाने की व्यवस्था कराई जाए, इसकी मरम्मत कराई जाए। लगभग 48,000 ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं जिनको हम मकान दे रहे हैं। 48,000 लोगों को जो है मकान जो है वो पक्का मकान मिलेगा, 48,000 लोगों को। तो वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं ताकि लोगों को, गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, इन लोगों को तकलीफ ना हो, उसके हम लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी? महिलाओं के लिए इसमें घूम के लगा, बताइए महिला अगर गरीब रहेगी तो कहाँ सोई? तो हम आज घूमे तब ना पता चला, तो कल से महिला लोग के लिए अलग से व्यवस्था करवाएंगे। महिला है, बाल बच्चा है, बच्चा लेकर के देखे रोड पर सो रही है, अच्छा नहीं लगता ना। महिला अगर बच्चा को लेकर रोड पर सोए तो एक इंसानियत के नाते हमको तो अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो है अलग से प्रबंध कराया जाए। तो जैसा कि देखा आपने कि उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अगर बाहर में आप राहगीर हैं या फिर जो लोग फुटपाथ के बाहर सोते हैं वो लोग यहाँ पर रैन बसेरा में आश्रय ले लें ताकि उन्हें ठंड से राहत मिल सके, क्योंकि ठंड की वजह से बहुत लोगों की मौतें हो जाती है और इसी के रीज़न से आश्रय स्थल बनाया गया है ताकि लोगों को सुविधा मिले। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मघी आवाज़ पर।